राजस्थान का डूंगरपुर जिला, आदिवासी बहुल इलाका, जहां आजादी के 7 दशकों तक अंधेरे का साम्राज्य रहा। अंधकार में डूबा डूंगरपुर चुनावी वायदे सुनता रहा, उनके पूरा होने का इंतजार करता रहा। फिर देश में मोदी सरकार ने शुरू की पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना। डूंगरपुर में रहने वाले आदिवासियों का भी भाग्य बदल गया, अंधेरा छट गया, उजाला बिखर गया। 1,31,864 परिवारों के घर रोशन हो गए, जीवन बदल गया। डूंगरपुर में अब केरोसिन या लालटेन के दिन लग गए हैं। यहाँ अब रात के अंधेरे में दिया नहीं, बल्ब जलता है, हर घर रोशन रहता है। घर की महिलाओं को खाना बनाते वक्त दिया नहीं जलाना पड़ता, बल्ब की रोशनी में आराम से घर के काम कर पाती हैं। रात दिन बच्चों और बूढ़ों को गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि अब घर में पंखा भी चलता है। बच्चे रात को पढ़ाई भी कर पाते हैं, उन्हें अब दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता, अपनी आंखों को दिए की रोशनी में झोंकना नहीं पड़ता। अब घर में टीवी भी चलता है, मोबाइल चार्ज भी होता है। पूरी दुनिया से जुड़ गया है अब डूंगरपुर। आज इस जिले का दशकों पुराना ख्वाब पूरा हो गया है, और पीएम मोदी का सपना भी, क्योंकि डूंगरपुर में अब 100% घरों में बिजली है। राजस्थान के दक्षिणांचल के डूंगरपुर जिले में बिजली विभाग ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बसे एक एक घर तक बिजली के पोल लगाते हुए बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया है। मोदी सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत जिले के 1,31,864 परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन मिले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के 12th प्लान से 71,047, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की नई स्कीम से 26,248 और सौभाग्य योजना से 34,569 परिवारों के घर रोशन हो गए हैं। यही वजह है दशकों के चुनावी वायदों के बीच निराश हो चुके ये लोग अब पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे।